कांग्रेस भवन के बाहर दी तस्वीरां तुसीं देखदे रहे हो। तो जे हुण गल करदे आं तां हुण साडे नाल डॉक्टर गुरप्रीत सिंह मौजूद ने जिहड़े कि कांग्रेस के स्पोक्स परसन गल्लबात कर सो जिहड़े वादे सी उह वड्डे करले ते पूरे होए नहीं है कि पंजाब एक ऐसी स्थिति च चला गया जिहड़ा कि दुबारा उठण योग नहीं रहा हैगा कांग्रेस की वजह करके। अज कह रहे हैं कि इहो जी स्थिति चला गया, अकाली छड्ड के कि स्थिति गए सी असी वादे सानू वड्डे देने पे क्योंकि लोगों की एक्सपैक्टेंसी सी और असी पूरे भी करने सी। साडे खिलाफ तीन चार चीज़ा बहुत वड्डिया वर्क कीतियां, नंबर एक बजट पैसे है नहीं सी, नंबर दो सेंटर का वतीरा क्योंकि उत्थे सेंटर सरकार बीजेपी की है, नंबर तीन जिहड़ी नैचुरल कलैमिटी कोविड की है। साडे कोल पैसे है नहीं सी, बजट है नहीं सी, पर खजाना मंत्री तो उही सी ना मनप्रीत बादल सी। भी तुम कह दो मैं वित्त मंत्री हाँ तो मेरी जेब च पई है 200 है तो तुम मंगते मैं उतो 2000 मैं कितों दे दूंगा। मसले ने हल करा और कदों तक ये परमात्मा जाने जदों जदों मेरी गल सुनो कदों तक का तुम जवाब दे दो। जो आप इतने खड़े हैं 5 मिनटों कितने आवेंगे है पता। लोग धरने से बहते हैं जोड़े लोग आए दिन टैंकिया चढ़ते हैं जोड़े लोग आए दिन टावर से बहते हैं पिछले दिन सुरिंदरपाल सिंह टावर से बैठा रहा पटियाले मोती महल वालों की आवाज़ आती रही लगातार भुख हड़ताल से बैठा रहा। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू प्रधानमंत्री ने तो इतने कच्चे अध्यापक आके उपर प्रोटेस्ट करते हैं इसे कौन अकालिया वेले भी टैंकियों से चढ़े से अकालिया वेले भी मलूके ने चपेड़ मारी सी टीचर से ठीक है जी साढ़े वेले कुटे गए अग देनी 75,000 टीचर की रिक्वायरमेंट है पंजाब दे विच स्कूलों 75,000 की आंकड़े कढ लो बैठ के सोचो तो 1,25,000 टीचर ऑलरेडी इंपलॉयड है जेडे स्कूलों के बी एड करके कॉलेजों के टीचर तड़ाता डी टी टी करके आ रहे हैं कितने लाइए। कुछ महीने रह गया पॉलिसी कदों तक बनूगी सवाल तो यह भी उठते हैं ना सरकार जानते पई है कांग्रेस की पंजाब दे विच लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पंजाब दे विच घर घर रुजगार के वादे करके आए। मेरा सिंपल एक गल हैगी है मैं हर डिबेट च कहना कि वादे किए थे जोड़े वो परफॉर्मेंस बड़ी स्लो हुई ठीक है इन्नी स्लो हुई भी लोगों को यह लगन लग गया भी कुछ किया ही नहीं जो तो तुम कर ही नहीं सकते तो पता भी नहीं कर सकता। असेंबली के बयान सगा कैप्टन साहब का कि मैं वाइट पेपर लियाँगा बिजली से लिया फिर कहने की लड़ सी असेंबली के जो आ गई चीज़ रिकॉर्ड होंगी है वो परमानेंट रिकॉर्ड है क्यों तुम यह कृतियां करते हैं संभलिया नहीं इन्हों समझ ही नहीं आई। मेरे सब तो व्डे जे मेन इतराज है कि जो वजारत बनते हैं मैं सहु चक ली मैं वजीर बन गया मैं कमां कड़ा देना मैं वे तो कम से कम की काबिलियत देख लो। मैं थोड़े माध्यम तो अच्छ मैं दुखी होकर कहना भी मैं कंट्रोल वॉर रूम च बैठा साल भर मैं दिन के 4 बारी 5 बारी 7 बारी मिलता सगा कैप्टन साहब को 4.5 साल के मैं 1 बारी मैं टाइम नहीं मिले उत्थे जाके मैं कैप्टन साहब उन्होंने घर मिलना जिम्मेवार कैप्टन अमरिंदर सिंह अकाली दल भी बड़े वे इल्जाम लाइन कहते हैं कि 84 के पंजाब का बड़ा कांड करता उस तो बाद जो पिंड उजाड़ क्या चंडीगढ़ के जितने खड़े हैं पंजाब के पिंड उजाड़े से पर पंजाब नाल वादा नहीं जिंदगी जिन्ना चिर प्रॉपर तख्ता से जाके नक रगड़ के माफ़ी नहीं मंगता परिवार सारे कांग्रसी नहीं तमिलनाडु के कांग्रसी 1984 का जिम्मेवार नहीं सी समझ गए जेडे दिल्ली च हराम नहीं माफ़ करूंगा कदम भी जिन्ना चिर तख्ता से जाके नक रगड़ के माफ़ी नहीं मंगते कौम तो और कौम माफ़ नहीं करते जख्म नासूर है नासूर रहूगा पर यह कह देना जिथे कांग्रेसी जिसका तुम तो 84 कराया से मैं यह दस भी अज सोनिया गांधी बैठी है वो बच्चे बैठे है वो गांव पोते पोतियां बैठे उन्हें उन्हें भुगत्या भी है उन्हें आटा दाल स्कीम लिया के साले मंगते बनाते थे कार्ड च की पता नीला कार्ड जी मेरे को है पंजाबी फटे मूँह थोड़े पंजाबी तो आटा दाल स्कीम का नीले कार्ड के उत्ते सड़ी गली कणक लेके रोटी खाऊ शर्म नहीं आती अगे जी असं तो इन्ने फ्री कार्ड करते थोड़ा तो मंगे से किसी ने उसकी रुजगार खो के उन्होंने मजबूर करके भुखा मार के जो दाला दे जाने वो भी खराब किराया भी करता कांग्रेस ने आया नहीं बयान प्रकट का आया कि नहीं आया परसों चौथे कि जनानियों को फ्री देने का मतलब कोई नहीं की कुछ फ्री दे जाओगे कदम दे जाओगे क्यों नहीं किराया लग सकता लग सकता मेरा मेरा बयान है मेरे पिछे मैं बहुत इस गल के उत्ते सो कॉल झटका भी पाइं मैं परवाह नहीं करता मैं पंजाब पंजाबीयत नूं प्यार करन वाले सारे दर्शकों का मैं हरजिंदर सिंह ढिल्लों निघा स्वागत कर दे बाहर दीआं तस्वीरां तुसीं देखदे रहे हो। तो जे हुण गल करदे आं तां हुण साडे नाल डॉक्टर गुरप्रीत सिंह मौजूद ने जिहड़े कि कांग्रेस के स्पोक्स परसन गलबात करदे आंगे आखिर कांग्रेस का काटो कलेस आ जिहड़ा कदों तक निबड़ जाणा डॉक्टर साहब पहलां स्वागत है जी।
बड़ी मेहरबानी जी, मैं जो थोड़ा ये लफ्ज़ है ना कटो कलेश वाला, ये मैं सहमत नहीं है बहुत, वो इस करके भी इंटरनल पार्टी मैटर्स होंगे है जिद लोगों को ये लगता भी बहुत लड़ाई हो रही है, कुछ ऑब्जैक्शन होंगे ने वो रैलेवेंट बंद को सीनियोरिटी के हिसाब न जाए पेश फिर फैसला लेंदे है, फैसला करके पार्टी कन्वे कर दिता जाता तो वो मुताबक फिर सारे तलते हैं, होंगे मन मुटाव भी होंगे, मेरे आपके ओपीनियन है मेरे नाल होर हो सकते हैं, साड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन जितों तक सरकार का तलक है पंजाब ते पंजाबीयत दा पंजाब नूं उपर ले जाण दा तलक है कांग्रेस पार्टी वालों, उहदे ते साढ़े चार साल की जो परफॉर्मेंस सी उहदे ते काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ डिसग्रंटलमेंट सी वर्कर दे विच, इह लोकां तों प्रगट सिंह नूं 2.5 साल हो गए मुद्दे चकदे नूं, सुरजीत धीमान ने 6 महीने बाद ही चकता सीगा भी मेरे इलाके दे विच तुसीं कहिंदे नशा नहीं तां शरेआम विकदा, ये चीज़ा जिहड़ियां हैगियां ये बैड इमेज क्रिएट कर दियां लोगों के भावें एक छोटी जी पॉकेट च हो, सो ये करदा 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 चीज़ जो उबाला खा जाती है, फिर उबाला खा के होया कि पार्टी 2022 दियां इलैक्शनां दे विच वर्कर किनू चाहते हैं भी सानू 2022 दियां इलैक्शनां दे विच लैके जावे चेहरा बन के, जिवें पिछली बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं चेहरा बनाया सी और असीं उस चेहरे के बेस के उत्ते सरकार भी बना गए सी, लगता नहीं डॉक्टर साहब जो वादे से वो बड़े कर ले पूरे हुए नहीं है, पंजाब एक ऐसी स्थिति च चला गया जिहड़ा कि दोबारा उठन योग नहीं रहा है कांग्रेस की वजह करके जिहड़ी सरकार पंजाब दे विच बनी हैगी वड्डे वादे करके पर वादे पूरे नहीं हुए है। देखो मैं थोड़ा एक गल दसा, पंजाब नूं तुसीं अज कह रहे हैं कि इहो जी स्थिति चला गया, अकाली छड्ड के कि स्थिति गए सी, अकालियां दे राज दे विच जदों अजे वह पावर च सी किसे पंजाब च तुरे जांदे जवाक नूं पुछ लैंदे भी थोड़ा अकालियां वाले की विचारा, कहिंदे सी चोर लुट के खा गए, कांग्रेस तां नहीं सी कहिंदी सारी पंजाब दा बच्चा बच्चा कहिंदा सी, असी वादे सानू वड्डे देने पए क्योंकि लोगों की एक्सपैक्टेंसी सी और असी पूरे भी करने सी, साडे खिलाफ 3-4 चीज़ां बहुत वड्डियां वर्क कीतियां, नंबर 1 बजट पैसे है नहीं सी, नंबर 2 सेंटर दा वतीरा क्योंकि उत्थे सेंटर सरकार बीजेपी दी है, नंबर 3 जिहड़ी नैचुरल कलैमिटी कोविड दी आई है और जिहड़ा साडे सिस्टम दे विच साडी आपदी पार्टी दे विच कह लो ब्लैक शीप किया जी भी साडे कोल पैसे है नहीं सी बजट है नहीं सी, पर खजाना मंत्री तो उही सी ना मनप्रीत बादल सी खजाना मंत्री, तो वो अकाली दल दे विच भी सी ते थोड़े नाल भी आके खजाना मंत्री रहा, जिहड़ी मां उह तां इक ही रही है ना फिर दोनों सरकारां दी। देखो मैं थोड़े नाल सहमत हाँ बिल्कुल कि वित्त मंत्री उही सी, वित्त मंत्री अकालियां दे विच उह 3-4 साल पहला छड्ड गया सी, 3 साल पहला उस तो बाद की लुट कसुट हुई है वो वित्त मंत्री नूं पता होना चाहिए सी, नहीं पता तां भी उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा गा, गल तां इह आ भी तुसीं कह दिओ मैं वित्त मंत्री हाँ तो मेरी जेब च रुपई है 200 है तो तुसीं मंगदे मैं इत्थों 2000 मैं कित्थों दे दूंगा, ठीक है वित्त मंत्री दा कसूर तां होवे ना, जे वित्त मंत्री कसूर सिर्फ इह सरकार दा कांग्रेस सरकार दा कि जिथों रेवन्यू आउणी सी जिहड़ी पिट पिट के अज साडा प्रधान क्यों बणिया नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान, क्योंकि इहने जो सोल्यूशनस दित्तियां सीगियां उह इहदियां गौलतियां पासे सिट्टतियां, जदों के एक्साइज़ दे विचों वेखो एक्साइज़ लॉबी एड्डी वड्डी लॉबी है ये कंट्रोल करती है गवर्नमेंट नूं, क्योंकि पहली बारी जदों मैं भी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे बॉर रूम का मैंबर नहीं सी इंचार्ज भी सी, होया की सीगा कि असी फैसला कीता सीगा भी इहदे ठेके जिहड़े है वह असी ऑक्शन नहीं करांगे कारपोरेशन बना के सरकार चलाऊगी, फिर क्यों नहीं चले नवजोत सिंह सिद्धू नूं क्यों भेजेगा तमिलनाडु तो मद्रास के वेखण वास्ते भी उत्थे एक्साइज़ की पॉलिसी की है, इन्हें जो आके क्या 35-35 हज़ार करोड़ सालाना उत्थे शराब घट विकती है रेवन्यू ज़्यादा आती है ये फार्मूला क्यों नहीं करते, तो वो लॉबी ने तकड़े हो के कराता पासे, अज हालात उल्ट गए है, हालात की उल्ट गए है 18-31 प्रोग्राम हाईकमांड ने दे के कहा कि तुसी कैप्टन साहब जो 3 मैंबरी कमेटी बनी सी तुसी जाओ जाके आह प्रोग्राम करो, तुहाडी सरकार है तुहाडी सरकार परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं कर रही, इन्हां दे उत्ते थोड़ा जिहा होर हल्ला मारो तां कि लोकां नूं कहण जोगे होईए, वो अड हो गई चीज़ नवजोत सिंह सिद्धू नूं ऑर्गनाइजेशन का प्रेजिडेंट बनाता, लोग इत्थे तड़ा तड़ रौनकां तुसीं वेख लो किन्नियां लगदियां हुण, अज तो 3 साल पहलां किन्नियां रौनकां सीगियां, नवजोत सिंह सिद्धू ते भी इल्जाम लगदे ने कि स्टेज के उपर बोलिया गया कि मसले बहुत ने पंजाब दे पर मीडिया के सामने एक शब्द नहीं बोलण नूं तैयार नवजोत सिंह सिद्धू, एक बड़ा सवाल आ, नहीं मैनूं इह दस्सो जिद्दन उहने इह कहा सी स्टेज ते खड़े हो के कि मसले बहुत ने उदन मीडिया बाहर सी, मीडिया नहीं सी उदन, मीडिया सीगा वारी वारी उस चीज़ को रट लई जाए भी मेरी पार्टी माड़ी मेरी गवर्नमेंट माड़ी, कहता एक्नोलेज कर लिया मसले ने हल करांगे करांगे, और इस कदों तक कदों तक ये परमात्मा जाने जदों जदों मेरी गल सुनो कदों तक का तुसीं जवाब दे दिओ भी आपां इत्थे खड़े हैं 5 मिंटां नूं कित्थे होवांगे है पता नहीं, गल की है टाइम बाउंड परफॉर्मेंस तां हो सकती है जे मेरे हाथ च ताकत है,
सवाल लोगों को पूछोंगे भी तुसी जवाब दे दो, जिहड़े लोग धरने ते बहिंदे ने, जिहड़े लोग आए दिन टैंकियां ते चढ़दे ने, जिहड़े लोग आए दिन टावरां ते बहिंदे ने। पिछले दिनी सुरिंदरपाल सिंह टावर ते बैठा रहा, पटियाले मोती महल वल उहदी आवाज़ आउंदी रही लगातार, भुख हड़ताल ते बैठा रहा। उस तों बाद नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनदे ने तां इत्थे कच्चे अध्यापक आ के उपर प्रोटेस्ट करदे ने इस कांग्रेस भवन के उपर। तुसी इह सवाल लोगों को पूछोंगे जाके भी तुसी दसो भी कदों तक इह वादे, जेकर असीं तुहानूं पुछीए भी कदों तक असीं 5 मिंट इत्थे हैगे ते 5 मिंटां नूं पता नहीं कित्थे होवांगे। देखो ये कॉमन सेंस है, ये सवाल की गल ही नहीं है। अकालिया वेले भी टेंकियां ते चढ़े सी, अकालिया वेले भी मलूके ने चपेट मारी सी टीचर दे, ठीक है जी। साडे वेले कुटे गए, रौला की है। बेसिक चीज़ नूं समझण की बजाए उन्हों अग देनी। 75,000 टीचर की रिक्वायरमेंट है पंजाब दे विच स्कूलों, 75,000 की आंकड़े कढ लो, बैठ के सोचो। तो 1,25,000 टीचर ऑलरेडी इंपलॉयड है, जिहड़े स्कूलों के बी एड करके कॉलेजों के टीचर तड़ाताड़ी टी टी करके आ रहे हैं, कितने लाइए? किनिया एक मिनट सुन लो ना, किनिया पोस्टा क्रिएट हो सकते हैं? गल की है बेटा, मसला की है, इंपलॉयमेंट जनरेट करने वास्ते, इंपलॉयमेंट जनरेट करने वास्ते आपां कोई ओह जा वसीला बनाना पेगा, एजुकेशन पॉलिसी लियानी पेगी जिदे सैग्रीगेट करिए। प्राइमरी तक के इन्ने टीचर आए, हाई 8वीं तक दे इन्हें, 10वीं तक दे इन्हें, कंपलसरी ने सब्जेक्ट वाइज। और बनू पॉलिसी सरकार आ जी 2022 के कुछ महीने रह गया, पॉलिसी कदों तक बनूगी? सवाल तो यह भी उठते हैं ना, सरकार जानते पई है कांग्रेस की, पंजाब दे विच लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, पंजाब दे विच घर घर रुजगार के वादे करके आए कैप्टन साहब, साड़ी कांग्रेस सरकार बने तो असं 4 हफ्तों के नशे का लक तोड़ देंगे। हले तक मैनू नहीं लगता भी कोई वादा पूरा होया होगा। देखो मैं अज तुहाडे नाल बाइट कर रहा, मैं तकरीबन हफ्ते 2 या 3 वारी टीवी पर आना है एज ए स्पोक्सपर्सन डिबेट के। मेरा सिंपल एक गल हैगी है, मैं हर डिबेट से कहना कि वादे किए थे जिहड़े उहदे ते परफॉर्मेंस बड़ी स्लो हुई, ठीक है, इन्नी स्लो हुई भी लोगों को यह लगन लग गया भी कुछ किया ही नहीं। कारण की मानदे हो? मैं कारण तुहानूं दस्सी जा रहा, निष्ठा, ओपरचुनिटी, नीयत, ध्यान। जे कुछ मसले देखो, वेलफेयर स्टेट की होंदी है, जे मैं गरीब नूं 2000 रुपया, 2100 रुपया, 5500 रुपया महीना देना है तो पहला मैं हेल्थ डिपार्टमेंट दे मैडिकल कॉलेज अनाउंस करन लग जा। वो जरूरी है कि 5500 रुपया गरीब नूं जिन्हें रोटी खानी वो जरूरी है? प्रायोरिटीज़ नहीं क्लीयर सी, प्रायोरिटीज़ वाल ध्यान ही नहीं सी। गरीब का भला करना स्टेट के नंबर 1 प्रायोरिटी है। उस तो बाद गरीबों का भला हो गया, अज भी तो फुटपाथों से सौंदे ने उही गरीब जिहड़े जिन्हां दी तुसीं गल करदे भी रोटी खानी आ। अज भी तो करोना काल चलिया, तो करोना काल का जिहड़ा हाल से वो देखण वाला सी। पंजाब की गल करदे आ तां कोई डिजाइन नहीं करता मैं इस गल नूं, ना मैं इस गल नूं कहना भी नहीं जी ये थोड़ी गल झूठी है, सच्ची गल है। लेकिन की है, सिर्फ पंजाब च होया? नंबर 1। नंबर 2, पंजाब दे विच साडे कोले जिहड़ी किट हुंदी सी ना उत्तों सारी किट ग्रांटा जिन्नी सी, साडी रूरल डिवेलपमेंट फंड का ग्रांट सारी बंद करती। पैर पैर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने साडे पैर वढ़न की कोशिश की है, लेकिन जो कुछ भी तिल फुल आया इकट्ठा करके वो सरकार वालों वंडन की कोशिश की गई, नाकामयाब रहे। नाकामयाब रहन करके साडा प्रधान बदलिया गया, ठीक है जी। प्रधान हुण 2022 दे विच जे फेस बन के सरकार बनाउंदा तो फिर इहदियां पॉलिसियां सामने आउणगियां भी ये की करदा। जिहड़ा साडा बनिया सी उदों 18-31 प्रोग्राम दे के सेंटर दे विचों हाईकमांड ने भेजा सी वी कैप्टन साहब तुसीं एडे सुलझे वे आ, आह 3-4 महीनों के इन्ना कुछ करो जोर ला के ता कि लोग कुछ तो खुश होण भी हाँ जी नहीं साडी सुनी गई, कुछ तो साडा होया। वो फेल हो गए, नहीं होया ता ही अज असीं इत्थे बैठे हाँ, ता ही ये मीटिंग हो रही है, ता ही उन्हां नूं डायरेक्शन आईआं भी तुसीं जी स्टैप डाउन करो। साडे कोल जिहड़े 3 महीने पए आ सानूं असीं उही काम करके लोगों को कुछ तो लैके जावांगे। पिछले 75 साल हो गया देश आजाद होए नूं, ते 75 सालों के मैनू जिन्ना क मैं पढ़िया, क्योंकि उम्र बड़ी छोटी आ पर असी पढ़िया जरूर आ किताबों के जिन्ना क असी पढ़िया कि जिहड़ियां सरकारां आउंदियां ने उन्हां कोल एक नीति हुंदी आ पाड़ो ते राज करो दी, ते दूजी नीति हुंदी आ कि सरकार जदों जाणते हुंदी आ तां उह वादे पूरे करन दी कोशिश करदी रहिंदी आ भी इतू गांह भी असी जाके पंजाब दे विच जां देश दे विच आपदी सत्ता की कायम कर सकीए, अक्सर ही इह हुंदा आया हैगा। तेरा सवाल नहीं है, मेरा प्रवक्ता भी सवाल है, मेरा हर उस इलैक्टेड पोलीटिशन यह सवाल है भाई तुसी जो इलैक्शन दे तो पहला उदो तुसी दिन नहीं वेखते, रात नहीं वेखते, धुप नहीं वेखते, छां नहीं वेखते, जो लोगों के घर वड़दे जाके उहदे पैरां च वजदे हैं भी साडा ऐतकी बितरा तेरे बगैर नहीं मर जाएंगे जी सानूं इलैक्ट करा दिओ, इलैक्शन तो बाद मुड़ के थोड़ा थोड़ी 4 साल थकावट ही नहीं लैंदी? ये सवाल है, ये लोगों का सवाल है, होना चाहिए। मैं भी करदा बतौर प्रवक्ता करदा वा तुहाडे माध्यम तो करदा कि तुसी मैनूं ये दसो भाई पहले साल के क्यों नहीं मिथदे कि मेरे को पहले साल जे इन्ना बजट होगा
आह प्रायोरिटीज होणगियां आह कीतियां जाणगियां हर हालत दे विच। और लोगों नूं दसो मेरी त्रासदी की है, मेरा ऑब्जैक्शन की है। मैं कैप्टन साहब दे वॉर रूम दा विच साल भर बैठा, सरकार बनाउण दे विच पूरा जोर लाया सी, ठीक है। लेकिन मैनूं इह दसो भी तुसीं जिहड़ी चीज़ कर नहीं सकते स्टेज ते क्यों कहिंदे लोकां दे विच, जदों तुसीं उह कर ही नहीं सकते, तुहानूं पता मैं नहीं कर सकदा। असैंबली दे विच बयान सीगा कैप्टन साहब दा कि मैं वाइट पेपर लिआऊंगा बिजली ते, लिआंदा फिर कहण दी की लोड़ सी? असैंबली दे विच जो आ गई चीज़ रिकॉर्ड हुंदी है उह परमानेंट रिकॉर्ड है। क्यों तुसीं इहो जिहियां कृतां करदे आ? तुसीं कहो भी मेरे कोल कागज़ अजे पूरे नहीं होए, जदों होए मैं कर दूंगा। तुसीं कमिटमेंट क्यों करते हो जी तुसीं कर नहीं सकते? कि उहदे वर्गा बंदा कोई नहीं। अज मैं तुहाडे माध्यम तो कहिंदा कैप्टन वर्गा इंडिविजुअली ह्यूमेन ते उहदे नाल वधिया बंदा कोई नहीं, पर एज ए चीफ मिनिस्टर कैबिनेट नाल जिहड़ा सीगा प्लस सारे इकट्ठे होकर इन्हां तों संभलिया ही नहीं, इन्हां नूं इह समझ ही नहीं आई। मेरे सब तों वड्डे जिहड़े मेन इतराज़ है कि जदों तुसीं वजारतां वंडदे आ, मैं सहु चक ली, मैं वजीर बन गया, मैं कमां कड़ा देना मैनूं? उहदे ते तां कम से कम दी काबिलियत वेख लो। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੋਢੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ? ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਛ ਚੁਕਾਤੀ ਉੱਥੇ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਫਾਰਮਰ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ BJP ਵਾਲੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹਟਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਰੂੰਗਾ ਗਾਂਹ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 110% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਬਣੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬਾਗਡੋਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਐਂਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੀਡ ਅਪ, ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ IAS ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਲ ਭਰ, ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਿਲ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ 10 ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਲਥ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ 5-7 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿਣਗੇ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ, ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ?
80 ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ 12 15 ਦੇਖੋ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ 8 ਕਮਰੇ ਹੈ 8 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਗਟਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀੜੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ 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 ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਲੇਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਤਾਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਦੁਬਾਰਾ 10 ਵਾਰੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ ਚਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਤਾਂ ਖਿਲਰ ਗਏ ਅਜੇ 6 ਹੋਰ ਖਿਲਰਨਗੇ ਛੱਡੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ ਬਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ MLA ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਬੂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ MLA ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਬਸ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਜਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਹੋ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਵੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਿਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣੂੰਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਤਬੀਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗਾ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟਿਕ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ BJP ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ BJP ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਲਈ ਤਾਂ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਸਲੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ BJP ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੀਏ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਚਰ ਹੈ ਸਿੰਸ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਟੈਚਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ ਪਰ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ 4-5 ਟੋਟਰੂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਕ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਨ ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਤੀ ਨਿਕਸਨ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਰੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸੰਜਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ 13 ਮੁਲਕ ਬਣ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ 7th ਫਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ 20,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਕਸ਼ਮ ਹੈ ਆਪਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈਨਰੀ ਕਿਸੰਜਰ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਾਸ ਏ ਲਿਟਲ ਹੇਸਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਗੇ
बच्चे हो तुम तो पता भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया लीडर ऑफ अपोजिशन आपके घर, उतरते सर घर पहुँचते सर कि वाजपेयी जी जनेवा में वहाँ पे मीटिंग है यूनाइटेड नेशंस की, आपने इंडिया को रिप्रजेंट करना है। बीजेपी के बंदे इंदिरा को मिनिस्टर नहीं सी, पर वो पता सी भी वह बंदा नैशनलिस्ट है। बीजेपी के एक नैशनलिस्ट पैदा होया अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें किसी की नहीं सुनी जो प्रधानमंत्री से इंदिरा ने उन्होंने भेजा उत्थे हिंदी बोलिया पहली बार, ये उत्थे अंकित है रीजनल लैंग्वेज के ऑपोजिशन का लीडर आके गवर्नमेंट नूं रिप्रजेंट कर रहा है। ये सी कांग्रेस, अज तो हुण तुहानूं सामने मैं थोड़ा की दसा तुम कड़ा कोई उतो चंद तो आए हैं तुम भी इतने तुरे फिरते तो सामने ही है। अकाली दल भी बड़े बड़े इल्जाम लाइद कहें कि 84 के पंजाब का बड़ा घाण करता कांग्रेस ने, उस तो बाद जे तुसी प्रधानमंत्री नहरू की गल करते हो तो उदों भी अकाली दल बड़े इल्जाम लाता कि 28 पिंड उजाड़ के चंडीगढ़ के जिते खड़े हैं पंजाब के पिंड उजाड़े से पर पंजाब नाल वादा नहीं पूरा कराया गया। अच्छा अकालियों को यह पुछो आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन कांग्रेस लेके आई सी, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन तो 1984 तक 78 तो लेके मोर्चा कितने लग्या तख्त साहब से कहदा मोर्चा सी पता कपूरी तो तुरया सी उत्थे चला गया आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन का से मोर पावर टू दी स्टेट्स ले लिया पंजाबी एडे वड्डे पंजाब नूं पंजाबी सूबी किने बनाया अकालियां ने सेंटर च सरकार तां कांग्रेस दी सी उस वक्त। मेरी गल सुन यार तू, मैं तेरा गवांढी है तू मैनू आपदा वेड़ा सारा देण नूं तैयार है तो मैं क्यों ना लूँगा भी तुसीं कांग्रेस उस वेले दी ते अज दी हुण तुसीं मैं सिख हाँ पहलां सुन लो सब तो पहलां मैं सिख हाँ फिर मैं पंजाबी हाँ फिर मैं हिंदुस्तानी हाँ पार्टियां पुटियां मैनू मैटर नहीं करदियां ना अज ना कल। मैनू तुसी एक सिंपल गल का जवाब दिओ सवाल तुसी ए है भी उत्थे 1984 दे विच कांड होया जी, मैं कदे जिंदगी दे विच ए नोट कर लियो ता जिंदगी जिन्ना चिर प्रॉपर तख्त साहब ते जाके नक रगड़ के माफ़ी नहीं मंगदा परिवार सारे कांग्रसी नहीं तमिलनाडु के कांग्रसी 1984 दा जिम्मेवार नहीं सी समझ गए, जिहड़े दिल्ली च हरामजादे सीगे ओह सॉरी अनपार्लीमेंटरी लैंग्वेज पर निकलदा जज्बा है सिख नहीं माफ़ करूगा कदे भी जिन्ना चिर तख्त साहब से जाके नक रगड़ के माफ़ी नहीं मंगते कौम तो और कौम माफ़ नहीं करती। ये जख्म नासूर है नासूर रहूगा पर यह कह देना जिथे कांग्रेसी दसदा तुसीं तां 84 कराया सी मैनू यह दस भी अज सोनिया गांधी बैठी है वो बच्चे बैठे है वो पोते पोतियां बैठे उन्होंने कराया से उदों जिंदे से उन्होंने किवें उंगल करदे तुसीं भी ये जिम्मेवार ने। जे मेरा दादा शराबी सी ते मैं अज नहीं पींदा तो तुसीं कहोगे तेरा तो दादा शराबी सी उन्हें भुगतिया भी है। मेरी मेरी गल सुन बेटा लॉजिक की है तुसीं पत्रकार हो तुसीं चौथा स्तंभ हो तो तुसीं गल्लां की करदे हो तुसीं सिंपल गल करो कि देखो 1984 वॉज ए वेरी सैड एपीसोड होया तख्त साहब से अटैक होया हरिमंदर साहब से अटैक होया जिहड़ा नहीं होना चाहिए सीगा अज कल परसों यही विचार रहेंगे हर सिख दे पर सिख नूं गुरु साहब ने माफ़ी देने का भी जिगरा दिता है जे माफ़ी मंगी जाए ढंग नाल तां माफ़ करना सिख का फर्ज़ है हक नहीं फर्ज़ है लेकिन मंगी गई नहीं मंगी गई इस करके रंजिश रंजिश किहदे नाल है रहा कौन राजीव मर गया इंदिरा जी मर गई ठीक है बाकी की वजह है ये सिदार सी कांग्रेस पार्टी ब्लेम करना पोलीटिकल वोट बैंक पोलीटिक्स है। अज मैं कांग्रेस का सिख है नवजोत कांग्रेस का सिख है सुखी रंधावा कांग्रेस का सिख है कि सानू दर्द नहीं भी साढ़े बच्चे मरे हैं कि सैनी के उल्ट असी तुरे नहीं फिर इन्हें बंदे मरे हैं। देखो वो ये मुल्क दे विच बर्बादी क्यों है वोट बैंक पोलीटिक्स है कुछ करके वोट पवा दा मुड़ के वेखांगे। इत्थे मीटिंग हुई सी शेर एक एम पी बैठा से मैं ना नहीं लैंदा तो उहदे नाल बंदे आए सीगे तो वह कहिंदा जी साडा मैं कहा गल सुनो मेरी पहली मीटिंग दे विच नवजोत सिंह सिद्धू एज प्रेजिडेंट मैं बोलिया सीगा मैं 11 मिनट बोल के कहा सीगा मैं कहा वर्कर तुसीं कहिंदे आ साडा कोई सुणदा नहीं तुसीं डिजर्व ही नहीं करदे वर्कर खुद डिजर्व नहीं करता अज बैठे हैं ना किन्नी इलैक्शन टाइम रह गया 5 महीने हुण आउणगे सारे ओ यार फलाना से उठ तेरे बगैर की है तां 7 पिंड तां तेरे कोले आ आए ना कर तू उन्होंने पूछ भी जो मैं तेरे को आया मेरी सुनी सी मानते हो तुम भी जो लीडर होंगे ने जो सियासती बंदे होंगे ने वह एक बार वोटा लेके आपके बंद भी भुल जाते हैं बाद 90% मैं 70 साल का मैं न्याणा नहीं गा 90% अखा फेर लेंदे करके डेडू वगू
की करना हो तुसी भाई, कम ही करना है। हाँ एक चीज़ ना मैं सहमत नहीं है, वर्कर जाता है दस बंद लैके पिंडों तुरता, चलो एम एल ए को चलते हैं, एम एल ए को जाके कहता तुम बाहर खड़े हो, आप अंदर जाके कहता ये तो एम लंडू तुरे फिरते मेरे मुंडे का कम कर दो, ये तो अपने नाल ही है। ये खराब करता है वर्कर नो, ये एम एल ए नु खराब करता, वो कहता भी वो बंदा अपने को पाँह बंदे है वो कितने चले, उन्होंने की सुनने की लड़ नहीं, करद करो। लीडरशिप है जी खराब कर रही है, जे पार्टी खराब कर दे हेठली लीडरशिप खराब कर दे। बिल्कुल जे एम एल ए को जाके छाती ठोके नहीं कह सकते मैं तेनों इलैक्ट किया भाई, किधर झकदा है, क्यों बैठा मैं तेरे बार, मैं आया तेनों मिलन, मिलना नहीं मिलना चिट्ठी लिख के फटा जा पीए न, कह दे दी जब पाड़ दी तो अज तो बाद मैं फोन ना करी, कह दी मेरे घर आएगा बाहर खड़ जी दरवाजे के बार पौना घंटा मैं खड़ा, डेढ़ घंटा तू खड़ी फिर अंदर आ जी मैं गल कर लूँगा, है दम वे तो उंगल करती वे तो उंगल करती आपदे भी करके वेख लो भी किन्ने क पानी से, सब बेईमान ने वोटर, सब तो ज़्यादा बेईमान है क्योंकि निजी स्वार्थ वास्ते एम एल ए मगर क्यों तलवे चटने भी रोटी मिलती नहीं करे, नहीं मिलती तो गुरु की बख्शिश है 20 रुपये का लंगर चलता जिते मर्जी खा ला जिन्ना मर्जी खा ला, भुखा नहीं मर सकता कित भी जिते पंजाबी बैठा है, ना गोरा भुखा मंगे ना मुसलमान भुखा मरे ना हिंदू भुखा मरे, जिते एक सिख बैठा है तो फिर रोटियां जो थोड़ा मिली जाए पंजाब का आ बादलों ने आटा दाल स्कीम लिया के साले मंगते बनाते सी कार्ड च की पता नीला कार्ड जी मेरे को तो है कौन पंजाबी फिटे मूँह थोड़े पंजाबी तो आटा दाल स्कीम का नीले कार्ड के उत्ते सड़ी गली कणक लेके रोटी खाऊगा, शर्म नहीं आती आखे जी असी तो इन्ने फ्री कार्ड करते थोतो मंगे से किसी ने वो रुजगार खो के उन्होंने मजबूर करके भुखा मार के जो दाल दे जाने वो भी खराब। बसों का किराया भी करता कांग्रेस ने, आया नहीं बयान प्रगट का, आया कि नहीं आया परसों चौथे कि जनानियों को फ्री देने का मतलब कोई नहीं, की कुछ फ्री दे जाऊंगे कदों तक दे जाऊंगे, क्यों नहीं कराया लग सकता, लग सकता मेरा मेरा बयान है मेरे पिछे, मैनू बहुत इस गल के उत्ते सो कॉल्ड झटका भी पईआं, मैं परवाह नहीं करता, मैं आपदा तुरे फिरो खबरदार मेरे नाल गल की, बिजली अकाली दल ने फ्री की ट्यूबवैलों नू, अज पानी कित्थे 600 फुट ते, क्यों जो तो बिजली पूरी होंदी है एक मोटर के कनैक्शन से 7-7 चल दी तो कुंडी चल दी तो चक चक पानी उत्ते सिटी जांदी है, मुफ्त का की मतलब है, जिहड़ी चीज़ मैं बनाऊंदा नहीं मैं खर्चा करके दिना वो मैं तेनों मुफ्त क्यों दूंगा, तेरे तो कोई फायदा लेना ता ही दूँ, वोट लेनी है तेनों मुफ्त दे दूंगा, मारना भी तेनों ही है, राज मैं करना है मौजा मैं करनी है तेरी वोट ते, तेनों भुखा मार के तेनों बिजली फ्री दे के, क्योंकि जे तुसी बिजली की गल करी है जे तुसी ट्यूबवैलों की गल करी है तो पिछले 4.5 साल हो गया कांग्रेस की सरकार नूं, मेरा पिंड ढिल मांगा बरनाले जिले के पिंड हैगा, मेरे पिंड दे विच नहरी पानी हजे तक नहीं आया हैगा ये पिछले 4.5 सालों से, यदा कारण की मानते फिर जेकर नहरी पानी आऊगा तो ट्यूबवैल अगला ना चलाऊगा 650 फुट के पानी ना जाऊगा, बहुत बहुत पछाँ फिरते हैं सोच च पानी नहर के थोड़े तऊगा जे जो नहर पूरी वगदी है वह हिस्से आ मोगा लाऊगा जट जरा मूहरे बैठा है टेल तो पानी आऊगा, वो तो कहता मैं 2 मोगे होर दे दो यार, दो दो 12-12 घंटे खड़ना पैंता उत्थे 6 घंटे अपना कैरा भर जा करूगा, तू 2 मोगे मैनू होर दे दे मगर लैन छड़ परे तो वैसे भी पानी नहीं आता, जो नीयत यह है तो थोनों कितों पानी आजगा दस मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ 2022 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਭਰੇ, ਸਾਨੂੰ MSP ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਲਿਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਜੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਭੌਂਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪ ਐਤਕਾਰੀ ਛਾਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਾਖੜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਾਖੜ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਢੀਮਾ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਵੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ। ਜੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
MLA की एक मीटिंग नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि मुख्यमंत्री ही मीटिंग कॉल कर सकता MLA की, पार्टी प्रधान क्यों नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं की? सो ये सन साडे नाल डॉक्टर गुरप्रीत सिंह, इन्हां दे नाल असीं गलबात करी आ। एक बार रजिंदर इधर कांग्रेस भवन दीआं तस्वीरां दिखा दित्तियां जाण, कांग्रेस भवन दीआं जिहड़ियां तस्वीरां ने तुहानूं साफ नज़र आउणगीआं। इत्थे तुसीं देख सकदे हो कांग्रेस भवन दीआं तस्वीरां ने, ते असीं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह दे नाल गलबात करके हटे हां इस वक्त। जेकर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह दी गल करिए तां उन्हां ने पंजाब दे मुद्दिआं दे उपर गल करी आ, पंजाब दी सियासत दे उपर गल करी आ, ते पंजाब दे विच आखर की होना चाहिए ते की नहीं होना चाहिए। सो जुड़े रहो KTV दे नाल, मेरे सहयोगी साथी रजिंदर दे नाल, मैनू हरजिंदर सिंह ढिल्लों दिओ जी इजाजत, धन्यवाद।